अब बनाओ प्रमाण पत्र, फोटो गायब है बहनों और भाइयों। फोटो गायब क्यों है? क्योंकि अब बात बाहर आई कि उस टीके को लगाने से कुछ प्रतिशत लोगों पे रिएक्शन होता है, कई लोग ऐसे गिर के मर गए, नौजवान अच्छे सेहतमंद, कोई खेती कर रहा है, कोई जिम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वहीं गिर पड़े। और आज विदेश में किसी ने केस डाला तो ये बात निकली कि हाँ ऐसा हो सकता है, वो टीका ही गायब हो गया है, मार्केट में नहीं मिलता, और अगर मिलता जब तक मिल रहा था, अभी जैसे ये बात निकली मोदी जी की फोटो गायब, कि 10 सालों में आम जनता के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए क्या किया? कोविशील्ड दिया और कोविशील्ड बनाने वाले से चंदा लिया। सबको टीका लगा था, सबको टीका लगा, मुझे भी लगा, मैं लगाना नहीं चाहती थी। मैं तो 3 बार बीमारी हो गई और 2 बार टीके लग गए, टीके के बावजूद भी बीमारी हो गई। लगाया टीका, मोदी जी का फोटो देखा टीके के प्रमाण पत्र पे, सबको पकड़ाया। मैं एक बार विदेश गई थी तो दिखाना पड़ता है कि भाई टीका लगाया, तो उन्होंने कहा ये कौन है तुम्हारे प्रमाण पत्र पे? तो मैंने कहा ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। कहते हैं पहली बार देखा है भाई कि किसी देश का प्रधानमंत्री टीके के प्रमाण पत्र पे अपनी फोटो लगा रहे हैं। अब बनाओ प्रमाण पत्र, फोटो गायब है बहनों और भाइयों। फोटो गायब क्यों है? क्योंकि अब बात बाहर आई कि उस टीके को लगाने से कुछ प्रतिशत लोगों पे रिएक्शन होता है, कई लोग ऐसे गिर के मर गए, नौजवान अच्छे सेहतमंद, कोई खेती कर रहा है, कोई जिम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वहीं गिर पड़े। और आज विदेश में किसी ने केस डाला तो ये बात निकली कि हाँ ऐसा हो सकता है, वो टीका ही गायब हो गया है, मार्केट में नहीं मिलता, और अगर मिलता जब तक मिल रहा था, अभी जैसे ये बात निकली मोदी जी की फोटो गायब, अब नहीं चाहते अपनी फोटो टीके पे। और सुन लीजिए, पूरी जितनी भी टीके बनाए इस देश के लिए और दुनिया के लिए एक कंपनी ने बनाए, और उस कंपनी से मोदी जी की पार्टी भाजपा ने और मोदी जी ने 52 करोड़ रुपए चंदा लिया।